एवरी वन गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज यूर डेटा चैप्टर नंबर नाइन ऑफ योर एनसीआर इज देंडलिंग डेटा हैंडलिंग है क्या ओके तो पहले ये देखो कि डेटा क्या है डेटा क्या है हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है एनी इन्फो जो हमारी किससे बनी होती है जिसको हम किसमें राइट डाउन कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में यानी कि फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं तो वो हमारी क्या हो जाता है डेटा हो जाता है ओके okay? हमने कुछ हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है उनको एक साथ करके लिखा और वो हमारे को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका डेटा ओके हैंडलिंग का मीन्स क्या हो जाएगा उस डेटा को क्या करना हैंडल करना ओके okay? हैंडल करना मीन्स उसको क्या कर देना उसको रिकॉर्ड करना एनालाइज करना मींस उस डेटा में है क्या क्या कुछ करना है एनालाइज करना उसके बाद हमारे को उसको ऑर्गेनाइज करना मींस ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया उसको प्रॉपर वे में राइट डाउन कर देना उसके अलावा उससे हमारे को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी चीज एक साथ करना दैट इज योर डेटा हैंडलिंग मींस डेटा क्या है हमारी कोई इंफॉर्मेशन है जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में राइट डाउन करते हैं लाइक वाइज एक एग्जाम्पल देखो सपोज करो कि आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फोर्टी है ये इंफॉर्मेशन ही है उसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ट्वेंटी ऑफ गर्ल्स कितनी है फिफ्टीन तो ये हमारे पास क्या था इंफॉर्मेशन थी हमने इसको नुमैरिक फॉर्म में राइट डाउन कर दिया दैट इज योर डेटा ओके ये इंफॉर्मेशन मिली ना क्लास सिक्स में इतने स्टूडेंट हैं आउट ऑफ दो स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव आर बॉयज एंड फिफ्टीन आर गर्ल्स ओके और इसी चीज को हैंडल करना ना इसको प्रॉपर वे में राइट डाउन कर देना विद देयर नेम विद देयर हाइट विद देयर मार्क्स वो चीज प्रॉपरली राइट डाउन कर देना उनको हैंडल करना रिकॉर्ड कर लेना दैट इज योर हैंडलिंग तो टोटल क्या हो जाएगा डेटा हैंडलिंग क्लियर डेटा हैंडलिंग आवर फर्स्ट टॉपिक इज दैट की रिकॉर्डिंग डेटा हमने क्या करना है डेटा का रिकॉर्ड करना है मींस रिकॉर्ड करना उसको प्रॉपरली अपने पास कलेक्ट करना यानी कि कलेक्टिंग डेटा भी बोल सकते हो ओके सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बेस पे करते हैं सपोज करो कि आप अपने क्लास का क्या बना रहे हो रिकॉर्ड बना रहे हो ओके क्लास रिकॉर्ड बना रहे हो किसके बेस पे मार्क्स के बेस पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट 2 ओके तो टेस्ट के मार्क्स आपके पास है आउट ऑफ एट ओके एट के अकॉर्डिंग है तो आपके पास ये रिकॉर्ड है इसको रिकॉर्ड करना है सपोज करो क्लास में क्या है स्टूडेंट ए है जिसके कितने मार्क्स आए फोर एंड देन बी फाइव सी सिक्स डी अगेन फाइव ई एट एफ के पास फोर मार्क्स एंड जी सिक्स एंड एच सिक्स तो ये आपके पास डेटा था ये नेम से स्टूडेंट के और ये उनके मार्क्स से आउट ऑफ एट सपोज करो कि मैथ्स का ही टेस्ट है ओके तो ये हो जाएगा आपने क्या किया रिकॉर्डिंग डेटा लाइकवाइज आप क्या करते हो टीचर आपकी क्लास में क्या करते हैं अटेंडेंस आपकी मार्क करते हैं एब्सेंट और प्रेजेंट के बारे तो वो भी हम एक रिकॉर्ड ही मेंटेन किया जाता है कि, कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं कितने एबसेंट हैं क्लियर या फिर कोई सर्वे किया जाता है जा, आपकी जो काउंटिंग होती है कि हाँ आप कितने मेंबर हैं घर में कौन क्या करता है वो सर्वे सब होता है तो वो भी आपका क्या है एक रिकॉर्डिंग डेटा यानी कि कोई डेटा है कोई इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर देना ओके दैट इज योर रिकॉर्डिंग डेटा या फिर कलेक्टिंग डेटा क्यों क्योंकि इसमें क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं क्लियर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करना सेटल डाउन करना कि क्या कुछ है कैसे प्रॉपरली okay? तो मीन्स आपने जो डेटा रिकॉर्ड किया अब उसको क्या करना है ऑर्गेनाइज करना है अब इसके लिए क्या है आपके पास टू वेज है ओके okay? दो तरीके हैं एक तो सिंपल है बिल्कुल आपका जैसे सपोज करो कि आपने अपनी क्लास में पूछा कि क्रिकेट जो पसंद करने वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं क्रिकेट वाले आपकी क्लास में सपोज करो कि फोर निकले एंड फुटबॉल के बारे में आपने पूछा तो वो सिक्स निकले ये सिंपल हो गया क्रिकेट जो क्रिकेट लाइक स्टूडेंट है वो फोर है फुटबॉल लाइक स्टूडेंट सिक्स है ये हो गया सिंपलर वे सेकेंड इज दैट की टेबुलर फॉर्म ओके टेबुलर वे में क्या हो जाता है कि आपको टेबल की वे में आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना और इसी के अंदर हमारी क्या आएंगी टेलीबार्स आएंगे एग्जाम्पल नंबर टू में और एग्जाम्पल नंबर वन में हम डिस्कस करेंगे ओके अब ये टेबलर वे क्या है सपोज करो जो मैंने यहां पे आपको लेफ्ट साइड में एक टेबल शो की हुई है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के नेम हैं और वो कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है ओके फोर टाइप के फ्रूट्स हैं आपके बनाना ऑरेंज एप्पल एंड गवा ओके तो उनके बारे में देखो जो बनाना लाइक like स्टूडेंट है वो कितने निकले आपके एट ओके ऑरेंज है वो थ्री एप्पल फाइव एंड गवावा फोर अब इसको टेबल की फॉर्म में राइट डाउन कर देना मीन्स टेबल फॉर्मेशन करके रख के राइट डाउन कर देना और साथ में इसकी टेली बार्स को ड्रॉ कर देना वो हो जाएगी आपका टेबलर वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करने की वो क्या आ जाएगी आपकी टेबलर फॉर्म होगी

ओके क्लियर नाउ लुक एट योर एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहता है कि अ टीचर टू नो द द चॉइस ऑफ 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 फूड ईच स्टूडेंट एज पार्ट मिड डे मील प्रोग्राम कहता है कि एक टीचर थी उसको अपनी स्टूडेंट की चॉइस चाहती थी पता करने भी क्या हो सकती है तो टीचर क्या करा एक असाइन कर दिया टास्क टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किसको मारिया को तो मारिया ने क्या किया कि मारिया डस्ट सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल उसने पेपर और पेंसिल यूज किया और एक जो फूड था उसके लिए एक साइन असाइन कर दिया दैट इज वन लाइन ओके तो अब हर एक स्टूडेंट अपनी चॉइस के लिए एक लाइन अपने फेवरेट फूड के आगे ड्रॉ करता जाता था ओके okay? तो चॉइस क्या क्या थी राइस ओनली या चपाती ओनली या बोथ राइस एंड चपाती ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन थी तो अब हर एक स्टूडेंट ने अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने जैसे सपोज करो कि आई एम लाइकिंग द चपाती ओनली तो मैंने अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी आई एम लाइक दैट कि राइस एंड चपाती बोथ तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे ही हर एक स्टूडेंट ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर दिया ओके तो अब ये कहता है कि टीचर ने कहा कि अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो तो ये सब लाइन्स को काउंट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ओके बहुत सारी लाइन होगी और कुछ आगे पीछे हो जाएगा तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने मारिया को सजेस्ट किया कि आप ऐसे करो कि आप टेन टेन लाइंस के पेयर बना लो सॉरी टेन लाइंस का एक होल बना लो जेन जो भी रह जाएंगे उनका एक और कलेक्शन बना लो तो वो भी टफ था क्योंकि टेन को तो काउंट करना पड़ रहा था देन क्या किया गया कि एक और स्टूडेंट ने उसको सजेस्ट किया कि वो क्या करे फाइव फाइव लाइन्स के बना ले वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो ये भी थोड़ा सा था कि भी फाइव फाइव के लिए काउंट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो एट द एंड जो रिजल्ट निकला वो कैसे निकला टेनली मार्क्स के थ्रू तो उसने क्या किया कि फाइव फाइव के पेयर तो बनाई वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ वन जो यहां ड्रॉ करना था उसकी बजाय उसने ये कर दिया अब यहां से क्लियर हो गया कि एक कट वाला क्रॉस लाइन वाला जो भी है वो फाइव को रिप्रेजेंट करता है ओके तो काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमारे को सपोज करो कि आपके पास ऐसे क्लोज में फोर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती थी इसलिए उसने क्या किया फिफ्थ लाइन को ऐसे क्रॉस कर दिया तो यहां से काउंट किया राइस ओनली वाले उसके कितने निकले थे 17 ना। तो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में किया कि वन टू थ्री फोर एंड फाइव देन सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन यानी कि जो फाइव के मल्टीपल थे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वोवली जो डेटा होगा वोवली जो नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे टिल्ट लाइन से टेडी स्लैंटिंग लाइन से ओके okay, तो वो 17 के लिए उसने क्या किया 5 10 15 एंड 2 17 चपाती ओनली वाले कितने थे 13 तो उसने कैसे रिप्रेजेंट किया 5 5 10 एंड 3 13 एंड बोथ राइस एंड चपाती वाले के लिए 20 थे तो कैसे रिप्रेजेंट किया 5 5 10 15 एंड 5 20 ओके okay, ये स्लैंटिंग लाइन जो थी ये वाला जो एक पूरा बनता था वो कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा था फाइव को और इसी लाइंस को बोला जाता है इस प्रॉपर वे में लाइंस को ड्रॉ करके डेटा को आपने इंफॉर्मेशन यानी कि उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देना दैट इज कॉल्ड योर टैली मार्क्स ओके ये टैली बार्स भी बोले जाते हैं टैली मार्क्स भी बोला जाता है क्लियर नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 2 कहता है कि एकता इज आज टू कलेक्ट डेटा ऑफ साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास सिक्स कहता है कि क्या किया गया क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के जो शूज के साइज है उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया ओके हर फाइंडिंग आर रिकॉर्ड इन द मैनर शोन बिलो कहता है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो इस मैनर में अरेंज था ओके okay? अब कहता है कि इसको प्रॉपर तो अरेंज करना था ताकि इंफॉर्मेशन इजली क्लियर हो जाए दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तो उसने कौन सी फॉर्म यूज करी टेबुलर फॉर्म यूज करी ओके तो उसने क्या किया शूज साइज को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फोर नंबर वाले फाइव सिक्स सेवन एंड एट अब उसने क्या किया गया कि इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से काउंट कर लिया कि फोर नंबर वाला शूज कितने स्टूडेंट वियर करते हैं तो फोर नंबर वाले काउंट करो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फोर नंबर वाला शूज कितने स्टूडेंट वियर कर रहे थे फाइव ऐसे उसने फाइव नंबर वाले काउंट किए वो कितने आए एट एंड सिक्स वाले टेन एंड सेवन नंबर वाले सेवन एंड एट नंबर वाले स्टूडेंट मिले उसको ओके okay? ये तो था कि उसने क्या किया गया शूज साइज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट बना दिए ओके ऑर्गेनाइज कर दिया अब इसको क्या करना है टैबलर फॉर्म में राइट डाउन करना दिस इज कॉल्ड योर टेबलर फॉर्म जो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में डिस्कस कर रहे थे अब टेबलर फॉर्म में हमारी थर्ड इंफॉर्मेशन होगी मार्क्स की या टेली बार्स की तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव के लिए आपको बताया था क्या करते थे वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो वही काम किया वन टू थ्री फोर एंड फाइव जो आपकी ये लाइन है मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे आप इसी फॉर्मेशन में लगाओगे ये फॉर्मेशन में ओके तो ये फाइव हो जाएंगे नेक्स्ट एट है तो वो कैसे ड्रॉ करोगे फाइव सिक्स सेवन एट नेक्स्ट इज योर टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन सेवन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और टू के लिए ओनली टू लाइंस ड्रॉ कर दोगे ये आपने क्या कर दिया टेली मार्क्स डिनोट दि, कर दिए तो ये हो गई हमारी क्या टेबलर फॉर्म एक डेटा आपको गिवन था रैंडम सा उसको आपने क्या कर दिया एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया विद टैली बार्स तो वो आपका क्या जाएगी? हो जाएगी टेबलर फॉर्म हो जाएगी क्लियर गाइज फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन कवर योर सम नंबर वन टू थ्री ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन